झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। 7 साल के मासूम को उसके ही करीबी रिश्तेदार ने हवस का शिकार बना डाला। यही नहीं, दरिंदगी के बाद जब मासूम रोई तो उसे खूब पीटा। खून से लथपथ पीड़िता जब घर पहुंची तो परिवार के लोगों के होश उड़ गए। जानकारी के मुताबिक पिलानी कस्बे में कच्ची बस्ती में रहने वाली 7 साल की मासूम को उसका करीबी रिश्तेदार शमशाद अपने साथ चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया। करीब 3-4 घंटे बाद शमशाद शराब के नशे में आया और बच्ची को घर छोड़ गया। बच्ची के घर आने के बाद जब उसके परिजनों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। बच्ची खून से बुरी तरह लथपथ थी। हालत गंभीर होने पर उसे झुंझुनू रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी के हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। मैं तो काम पे गया हुआ था और 2 बजे वो बच्चों को ले गया कि मैं चीज दुआ के ले आ रहा हूँ। 3 बच्चों को ले गया था, 2 बच्चों को तो भेज दिया और एक मेरी लड़की को ले गया। वो क्या जा तेरे को और दो चीज, फिर उसके सारे यहाँ भी देख लो, यहाँ भी मारा हुआ, यहाँ भी मारा हुआ, यहाँ भी वो चरा रही थी तो उसके मार रहा था। फिर जब करके उसके साथ सर बलात्कार ऐसे ऐसे घटना करी है। पिलानी थाना इलाके में कस्बा पिलानी में एक दुष्कर्म की घटना हुई जिसमें उसके परिजन बच्ची को, 7 साल की बच्ची है जिसके परिजन उसको बिडला सार्वजनिक अस्पताल में लेके आए। वहां पर सूचना मिलने पर SHO साहब हम वहां गए, वहां से प्राथमिक उपचार करके फिर बच्ची को बीडी के अस्पताल के लिए इलाज व मेडिकल के लिए रेफर किया। तो मैं बच्ची को लेकर के यहाँ बीडी के अस्पताल पहुंचा और उसको इलाज के लिए एडमिट किया।